हेलो सर। हेलो सर। हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बेटा। सर जो थर्सडे को केमिस्ट्री क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भेज दोगे? ओहो, आई सॉ योर मैसेज बट फॉरगॉट। मैं भेजता हूँ ना क्लास के बाद, आई सेंड। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। We'll wait for 2 minutes, then we'll start. हाँ जी रेडी। यस सर। आज मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं विल टेक फ्रॉम पास्ट आईआईटी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ट्रिकी हैं, कोई भी बहुत डिफिकल्ट टाइप का नहीं है, बट सारे के सारे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आप प्लीज इनको कुछ नोट भी करते जाएं ना, क्योंकि ऐसा ना हो ये क्वेश्चंस बाद में इफ यू कम अक्रॉस तो देन विल फेस एन इशू। कि कुछ तो था सॉल्यूशन, पता नहीं कैसे बताया था सर ने। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी इज अ चैप्टर जहां पर आपको 1.5 पेज का सॉल्यूशन भी मिलेगा और 2 लाइन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्वेश्चन इज फ्रॉम 1 to 100, three numbers are selected. Find probability the numbers are in AP. एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा जी। सर व्हाट डू यू मीन बाय एपी? तो यू मीन इट एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। अगर कोई नंबर जो है उनके बीच का गैप सेम है, तो 2, 5, 8 है ना, द गैप इज सेम, सो दे आर इन एपी, सो दिस इज एक्सेप्टेबल नंबर है ना। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्टेबल नंबर होंगे, 10, 20, 30, दिस इज एक्सेप्टेबल है ना। लेकिन अगर मेरे पास नंबर आया 10, 20 and 29, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 नंबर्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो एपी में होंगे?
तो प्रोबेबिलिटी के आधे क्वेश्चंस जो हैं वो पीएनसी से होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने होंगे? 100 सर, 100 100। थ्री नंबर्स टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 100 C3 100 C3 है ना, तीन नंबर्स, 100 नंबर्स में से तीन नंबर्स कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं? 100 C3। फेवरेबल बताओ, ओके अब सुनो, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि एपी में है ना, अगर कॉमन डिफरेंस जो है आपका इंटीजर है, देन द पैरिटी ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म विल बी सेम। पैरिटी मींस फर्स्ट और थर्ड टर्म अगर इवन है, फर्स्ट इवन है तो थर्ड भी इवन होगा, फर्स्ट ऑड है तो थर्ड टर्म भी ऑड होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टार्टिंग विद टू, गैप लिया मैंने थ्री का तो ये 5 हो गया, फिर गैप 3 का ये 8 हो गया ना। इवन से स्टार्ट करोगे तो इवन पे एंड करोगे, थर्ड टर्म विल बी इवन। ऑड से स्टार्ट करोगे तो 5 प्लस लेट्स से इफ आई एम मेकिंग 3 अगेन है ना, तो 8 एंड देन अगेन 11। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस, इवन फर्स्ट इज इवन, थर्ड हैज टू बी इवन, फर्स्ट इज ऑड, थर्ड हैज टू बी ऑड। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन कहाँ रह गया? क्वेश्चन ये रह गया कि आप फर्स्ट और थर्ड टर्म अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो दैट मींस यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट, टू इवन नंबर्स और यू हैव टू सिलेक्ट टू ऑड नंबर्स। जो थर्ड नंबर है वो तो ऑटोमेटिकली बीच वाला नंबर अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो कितनी वेज में, क्वेश्चन बेसिकली है कि हाउ मेनी एपीज आर देयर बिटवीन 1 to 100। अगर आप तीन नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने एपीज फॉर्म कर सकते हैं थ्री नंबर्स की? तो इसका आंसर क्या होगा कि कितने वे में आप दो इवन नंबर पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, दो इवन नंबर आउट ऑफ 50 इवन नंबर्स, तो 50 C2। जैसे ही दो इवन नंबर ये सिलेक्ट करेंगे तो बीच वाला जो नंबर है वो आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लें कि भाई बीच में नंबर क्या आएगा। आपने सिलेक्ट किया लेट से 2 and 76, तो इनके बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2 plus 76 by 2 and this is 76, ये एपी बन जाएगी, है ना। सो दिस इज 78 by 2 विच इज 39, सो 2, 39 and 76। तो बेसिकली हाउ मेनी एपीज आर देयर विद फर्स्ट एंड थर्ड इवन नंबर, दैट इज 50 C2। सेम विल बी एपीज स्टार्टिंग विद ऑड, जो ऑड से स्टार्ट होगी तो ऑड से एंड होगी, दैट इज ऑल्सो 50 C2। दिस इज माई आंसर। सर अगर क्वेश्चन में 0 से 100 होता फिर क्या करें? 0 से होता तो फिर 51 C2 plus 50 C2 upon 101 C3। सर फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, समझ नहीं आया। हाँ जी भाई, क्लास 9th हो सकता है आपके थोड़ा सा सर के ऊपर से जाए क्योंकि एपी यूज्ड है यहाँ पर, बट स्टिल एपी का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि गैप सेम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 100 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 up to 100, यहां से हम कितनी वेज में तीन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं सच दैट उनके बीच का गैप सेम हो, है ना। तो आई एम यूजिंग द फैक्ट कि जो नंबर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं दैट डिपेंड, दैट वी आर डिवाइडिंग इन टू वेज। वन इज नंबर स्टार्टिंग विद इवन, नंबर स्टार्टिंग विद ऑड। जो इवन से स्टार्ट होगा बेटा उसमें बीच में एक नंबर आएगा और वो एंड भी इवन पर होगा, जो इवन से स्टार्ट होगा वो एंड भी इवन पे होगा। तो इवन से स्टार्ट होने वाली एपी अगर आपको बनानी है तो बेसिकली आप दो नंबर सिलेक्ट करें, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में,
उनको फिट करें। तो दो इवन नंबर कितने भी में आप सिलेक्ट करोगे, 50 इवन नंबर में से दो इवन नंबर सिलेक्ट करने हैं, है ना। अब ये दो इवन नंबर कुछ भी हो सकते हैं ना, आपने लिया 4 और 6, ठीक है जी, बीच में 5 अपने आप आ जाएगा। ये एक एपी बनी, कितनी एपीज बन सकती है जो इवन से स्टार्ट हो रही है, जितने वे में आप दो इवन नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं उतनी एपी बनेगी। हर पेयर ऑफ इवन नंबर पे एक एपी बनेगी, ऐसे ही हर पेयर ऑफ ऑड नंबर पे एक एपी बनेगी। कितने ऑड नंबर्स हैं, 50, उनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। ये 2 ऑड सिलेक्ट करते ही बीच में जो नंबर है इससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये फिक्स हो जाएगा, है ना। तो आंसर 50C2 फॉर दिस ऑल्सो। हाँ जी नमन, समझ में आया बेटा? यस सर। सर ये जो आंसर है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर है ना, कि कैसे निकाले हैं? हाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, बस 3 नंबर आपने निकालने हैं। तो उन 3 में से हमारी कंडीशन ये है कि 2 नंबर इवन या 2 ऑड होने चाहिए, ठीक है जी। ओके सर। क्वेश्चन, मैंने एक 5 डिजिट का नंबर सिलेक्ट किया एट रैंडम, what is the probability that it is made of exactly 2 digits, उसके अंदर सिर्फ 2 digit use हो रही हो, तो favorable number कौन सा है, 7 3 3 7 3 3 7 3, ये favorable है, या फिर 3 3 3 3 7, ये भी favorable है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, दिस इज फेवरेबल अपॉन टोटल, आधा जॉब मैं कर रहा हूँ, है ना। टोटल में से टोटल कितने केस होंगे, कितने 5 डिजिट के नंबर होते हैं, कोई बताएगा? 5 फैक्टोरियल। 5 डिजिट के नंबर पूछे हैं मैंने टोटल, फिर से सोचो टोटल 2 डिजिट नंबर बता दो। 90,000 भाई, 5 डिजिट के नंबर्स है ना, पहले डिजिट में 9 डिजिट आ सकती है ना, उसके बाद कोई भी 10, कोई भी 10, कोई भी 10, दैट्स ओके। 9 × 10⁴ फेवरेबल। सचित फेवरेबल में 2 केस बनेंगे बेटा, कौन से सर? जब एक कोई और जाएगा, दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, सिर्फ 2 डिजिट हैं बट फिर भी 2 केस बनाएंगे हम सर। एक डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है, सेकंड डिजिट 3 टाइम्स, नहीं वो वाला केस नहीं, ना 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 ना, वो तो फिर दुनिया भर के केस बनेंगे। एक डिजिट 1 बार है, दूसरी 4 बार है, एक 2 बार है, दूसरी 3 बार है, हाँ 2 ही बन रहा है उसमें भी, बट दैट्स नॉट द वे टू सॉल्व। This is with zero, without zero, है ना, क्योंकि zero की तो बहुत तगड़ी limitation है, starting में zero आ नहीं सकता, है ना, वो limitation है हमारी, ठीक है जी। अब जो without zero है, 5 digit number without zero, तो 9 में से 2 digit select करनी है मेरे को, कितने वे में हो सकती है वो? तो पहले मैंने 2 डिजिट सिलेक्ट कर ली, लेट्स से मैंने वो 2 डिजिट सिलेक्ट की हैं 2 और 5, है ना, इसकी जगह 2 और 7 भी हो सकता था या 8 और 9 भी हो सकता था, बट ये सारे केसेस कितने बनते हैं, 9C2, 9 में से 2 डिजिट मैंने सिलेक्ट किए हैं, वेरी गुड। अब ये 2 और 5 से हम कितने नंबर 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, सिर्फ 2 और 5 यूज करके, बट दोनों यूज होने जरूरी हैं। तो पहले ये बताओ 2 और 5 यूज करके कितने नंबर बन सकते हैं, दोनों यूज होने जरूरी हैं, उसको छोड़ो सर, अगर रिपीटेशन जरूरी है सर, देन 5 फैक्टोरियल।
नहीं रिपीटेशन जरूरी नहीं है, और फाइव फैक्टोरियल ऐसे यूज मत किया करो, है ना, बड़ा वर्ड है फाइव फैक्टोरियल भाई। अगर मैंने आप 10 digits दिए थे आपको, है ना, और मैं कह रहा हूँ कि कितने 5 digit नंबर बन सकते हैं, तो आपने फटाक से बताया था। अब मैं आपको 2 digit दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कितने 5 digit नंबर बन सकते हैं, 2 raised to power 5, है ना? Yes, sir. भाई अगर 3 digit होते तो 3 into 3 into 3 into 3, यही तो करते हम। Yes, sir. ठीक है, अब 2 और 5 यूज करके आप कितने नंबर बना सकते हैं 5 digit के, टोटल 32 नंबर बना सकते हैं आप। एग्रीड ऑन दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes. अब ये हमारी लेकिन एक कंडीशन मीट नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या है हमारी? एग्जैक्टली तो मतलब जहां पर सारे के सारे 2s हैं या सारे के सारे 5s हैं वो हमें एक्सेप्टेबल, तो माइनस 2 कर देंगे। नहीं है तो माइनस 2 कर देंगे। वेरी गुड, 2 raised to power 5 minus 2। ठीक है जी, चलो जी अब ये वाला केस ले लो विद जीरो। विद जीरो में एक डिजिट तो जीरो हो ही गई, दूसरी डिजिट कैसे सिलेक्ट करोगे? 9c1 है ना। अब पहली डिजिट पहले में एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता, जीरो आ ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, है ना, 2 raised to power 4 आ गया। तो यहाँ पर 1 केस है और यहाँ पर 2 2 2 2, ठीक है, 2 raised to power 4। बड़ी आंसर गलत है, -1 कर देंगे। -1 जहां पर जीरो के साथ जो डिजिट थी उससे पूरा नंबर बना दिया, जीरो यूज ही नहीं किया मान लो हमने यहाँ पर, है ना, तो -1 ये आंसर हो गया हमारा। सर वो विद जीरो वाला एक और बार समझा दीजिए। जीरो वाला प्लीज। यस सर। ओके पहले तो जीरो के साथ हमने पेयर बनाए, 0 1 0 2 0 3 0 4, कितने पेयर बनेंगे ऐसे? 9c1, है ना। अब 0 और 2 यूज करके मैं नंबर बना रहा हूँ। खुशागरा कह रहा है कि सर स्टार्टिंग में 0 आ ही नहीं सकता, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा ना। yes, ये तो 1 वे था इनटू, यहाँ पर 0 या 2 0 2 0 2 0 2 कोई भी आ सकता है ना, तो इंटू टू। बट ये बनाते हुए आपने केस क्या कर दिया जहां पर आपने सारे 2s यूज कर लिए, 0 को यूज ही नहीं किया, तो वो -1। ठीक है जी, yes. नहीं आया तो पूछ लो बिंदास, है ना, हम कल एक और एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे अगर थोड़ा स्लो हुआ तो। सर हाँ जी सर, विदाउट जीरो में 9c2 कैसे आया? विदाउट जीरो में बेटा नंबर्स सिलेक्ट करने थे पहले, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कह रहे हो इनमें से 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं फिर उनसे नंबर बनाएंगे, पहले 2 digit तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो वो 2 digit कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो? 9 में से 2 digit सिलेक्ट करनी थी आपको, है ना। आपने मान लो डिजिट सिलेक्ट की 7 and 8, फिर 7 and 8 अब सिलेक्ट हो गई हैं, तो इन 7 and 8 से कितने नंबर बन सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 7 या 8 में से कुछ भी, 7 8 में से कुछ भी, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? 2 raised to power 5। बट इनमें 2 केस अनएक्सेप्टेबल हैं, जहां पर सारे 7 आ गए या जहां पर सारे 8 आ गए, तो -2। माइनस ओके सर। क्लियर है सबको? यस यस सर।
चलो कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, जनरल दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। एबीसी तीन डोर्स हैं, मैं आपका होस्ट हूं और आप प्लेयर हैं, है ना। मैंने इसके पीछे एक में कार रखी हुई है और बाकी दो में जो है ब्लैंक है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एक डोर सिलेक्ट करें, ठीक है। आपने डोर नंबर ए सिलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी आप जीतोगे, कार जीतोगे? 1/3 है ना, ऑफ कोर्स। टू जनरेट द इंटरेस्ट, मुझे पता है कार किसके पीछे है ना। टू जनरेट द इंटरेस्ट मैंने जो है डोर नंबर सी जो है वो ओपन करके आपको दिखाया और डोर नंबर सी के पीछे कुछ भी नहीं था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, आपने डोर ए की जगह आप डोर बी सिलेक्ट कर लिया है ना। आपने कहा नहीं सर, मैंने आपको ऑप्शन दी, डू यू वांट टू चेंज? आपने कहा हाँ सर आई चेंज है ना, मुझे लग नहीं रहा ए के पीछे, मैं बी सिलेक्ट करता हूं। नाउ व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? सर 1 ही होगी। 1? आर यू श्योर? 100%? सर 1/2। सर 1/2। 1 तो बिल्कुल 100% हो गई ना। सर पर आपने कहा ना एक में गाड़ी है, सर सी में नहीं है, ए में नहीं है, तो एक में तो होगी, बी में तो हो सकता है, ए में भी हो। मैंने कब कहा ए में नहीं है, मैंने तो बस सी खोल के दिखा दिया, सी के पीछे नहीं है। अच्छा सर, मुझे लगा ए भी खोल दिया। नहीं, ए तो खोला ही नहीं मैंने। तो फिर 1/2 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या सेम रहेगी? मैंने तो बस एक खोल के दिखाया कि जिसमें नहीं है। तो 1/6। 1/6? यस। प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी? नहीं सर, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, सोचो। सर सेम नहीं रहनी चाहिए। सेम 1/3 रहेगी। यस सर। ओके, एनीवन एल्स? सर इंक्रीज होगी। प्रोबेबिलिटी विल चेंज है ना, प्रोबेबिलिटी विल बिकम हाफ, ठीक है। Probability will not remain 1/3. In fact, the question goes, ki now I am asking you, will you like to change the door? Then your answer will be, yes, sir, I like to switch over to B. ठीक है? Why? Because जब आपने A select किया, the probability that car is behind A is 1/3. Probability और probability of B जो है वो 1/2 नहीं होगी बेटा, probability of B will be 2/3. The probability, सभी का आंसर गलत था। The probability that the car is behind B and C, before I opened the door, probability that car is behind B or C is 2/3. ये सब agree कर रहे हैं ना इस बात पे? Yes, sir. ठीक है। अब B और C में अगर मैं आपको दिखा दूं कि भाई C के पीछे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये 2/3 chances are there that the car is behind B. आप समझ रहे हैं? लेट्स टेक इट लाइक दिस है ना भाई, लेट्स से ए बी सी, ठीक है, कार जो है वो बी के सी के पीछे है, लेट्स है ना, कार सी के पीछे है। अब आपने सिलेक्ट किया मान लो ए, ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड ए, और मेरे पास डोर बी एंड सी है, मैं कौन सा ओपन करके दिखाऊंगा आपको? बी, ठीक है, आई विल शो यू कि भाई बी के पीछे कुछ भी नहीं है। और अगर आप स्विच करोगे तो क्या आप जीत रहे हो? तो जरूरी नहीं है, स्विच करने पर जीतोगे ना, विनिंग, क्योंकि सी के पीछे कार है ही है ना, यू विल विन। एग्रीड ऑन दिस? यस। ये फर्स्ट केस था जब आपने ए डोर सिलेक्ट किया था, मान लो आपने डोर बी सिलेक्ट किया था,
है ना। अब दो डोर कौन से बचे, ए और सी? ए और सी। मैं आपको कौन सा डोर खोल के दिखाऊंगा कार नहीं है? ए वाला। और फिर अगर आप स्विच कर रहे हो तो क्या आप जीत रहे हो? हाँ जी आप जीत रहे हो स्विच करने पर। और मान लो आपने डोर सिलेक्ट किया था सी, है ना। अब मेरे पास है ए एंड बी, मैं आपको ए ओपन करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कार नहीं है, और आप स्विच कर रहे हो तो आप हार रहे हो, यू आर लूजिंग। तो आप थ्री में से टू टाइम्स आप जीतोगे अगर स्विच कर रहे हो, वन टाइम आप हारोगे अगर आप स्विच नहीं कर रहे हो, है ना। सो स्विच ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने सी सिलेक्ट किया और आपने बी कॉल के दिखा दिया, तब भी तो हारेंगे हम। यस सर। कि आपने सर हमने सी चूज किया, आपने बी कॉल के, आपने ए कॉल के दिखा दिया और हमने बी चुन लिया बेटा, पर टोटल तो 1/3 केसेस होंगे ना। अगर आप तीन बार खेल रहे हो तो एक बार आप ए सिलेक्ट करोगे, एक बार बी और एक बार सी। यस सर। अब जब आपने सी सिलेक्ट किया तो डजंट मैटर मैं आपको ए खोल के दिखाऊं या बी खोल के दिखाऊं, 1/3 टाइम आप हार रहे हो उस केस में, है ना। 1/3 टाइम यू आर लूजिंग, 1/3 टाइम यू आर विनिंग, एंड 1/3 टाइम यू आर विनिंग। अब ये देखो फिर से, ए बी सी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोई भी दो डोर सिलेक्ट करो, है ना भाई। एक के पीछे कार है, किसके पीछे कार है मुझे नहीं पता, मुझे पता है बट आपको नहीं पता। मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी दो डोर सिलेक्ट करो, आपने अगर ये दो डोर सिलेक्ट किए, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 है ना। नाउ इट डजंट मैटर कि अगर मैं आपको एक डोर ओपन करके दिखा दूं कि इसके पीछे कुछ नहीं है, योर प्रोबेबिलिटी विल रिमेन 2/3। अच्छा ओके सर, है ना। और ए की प्रोबेबिलिटी वो 1/3 रहेगी, मतलब सचिन जो है उसने ए सिलेक्ट किया, आपने बी एंड सी सिलेक्ट किया, तो आपके चांसेस ज्यादा हो गए। यस। अब उस बी एंड सी में मुझे पता है कि कौन सा एम्प्टी है और मैं आपको वो खोल के दिखा रहा हूँ, ये एम्प्टी है, दैट डजंट चेंज एनीथिंग, है ना। यू विल स्टिल हैव दैट विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 एंड सचित विल हैव 1/3। यस यस सर। ठीक है जी एवरीवन। यस सर। ओके हम खेल रहे हैं गन शॉट वाला, है ना, टारगेट पे आपको हिट करना है, ठीक है। तो हुमिता इज चैंपियन इन शूटिंग, शी हैज 50% प्रोबेबिलिटी दैट शी हिट्स द टारगेट, एंड हरप्रीत हैज गॉट 33.33% चांसेस, देविका हैज गॉट 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट, एंड Imanshri, she has never held gun before. She has 1/8 probability of hitting the target. ठीक है, चारों को मैंने एक एक बुलेट दी टारगेट पे शूट करने के लिए बोला। What's the probability that no one hits the target? Sir, question एक और बार repeat कर दीजिए, मैं disconnect हूँ। Probability of hitting the target by 4% is this individually, है ना? Out of every 2 times Sumita hits the target, one target, है ना? And person B hits one target out of every 3 times. C and D की probability है hitting the target. What's the probability if all 4 are given 1-1 bullet each, then no one hits the target? ऐसे कुछ भी हवा में। सर 7/32। हाँ जी आंसर इज 7/32। 7/32 कैसे आया सर? सबको 1 से सब्ट्रैक्ट करके सर मल्टीप्लाई करते, बस सिंपल, ठीक है। हमिता के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये थी, टारगेट ना हिट करने की, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट
into probability of not happening the event, into probability of not happening of event. भाई सारी चीजें साथ में होनी चाहिए ना, तो हमने कल किया था, तो probability multiply हो जाती है. हमिता टारगेट ना हिट करे, है ना, बी भी टारगेट हिट ना करे, सी भी ना करे और डी भी टारगेट हिट ना करे, ठीक है ना. इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो 7/32 yes. ठीक है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट. तो चार कैसे बना लें? ना ना, ऐसे हवा में थोड़ना है. आईआईटी का क्वेश्चन है, पिछले से पिछले साल का. पर केस बना के भी तो हो जाएगा. अच्छा बनाओ, तुम्हारा पूरा पेपर निकल जाएगा केस बना के. 1-7/32 इम्प्रेसिव. सचित कह रहे सर एटलीस्ट एटमोस्ट ये सब वर्ड देखते ही जो है ना, वन माइनस कर दें तो आंसर आ जाता है ना. At least one of them hit is one minus probability no one hits. देख लो कुछ आगरा सही है ना? Yes sir. तो 1-7/32 answer is 25/32. सर अगर एटलीस्ट के आगे 1, 2, 3, 4 होता सर तब भी, सॉरी सर 2 या 3 होता तब भी यही रहता. एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट्स द टारगेट, तो आंसर क्या हो जाता? 1-probability नो वन हिट्स माइनस प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हिट. हाँ वन हिट वाला है ना, तो ये 1-7/32 फिर माइनस, फिर यहाँ केस बन जाते बहुत सारे. सर मैं भाई क्या करूँ. हाँ ओके सर. नहीं ये एटलीस्ट 2 बोल रहा है ना, एटलीस्ट 1 हिट होना. यस सर. नो वन नहीं होना एग्जैक्टली. नहीं सर 25/32 माइनस 25/32 माइनस भाई एटलीस्ट वन ऑफ देम नहीं, उसने तो जीरो है. एग्जैक्टली वन ही होगा. एग्जैक्टली होगा ऐसा. अब एग्जैक्टली वन हिट जो है वो फिर कि आपका नंबर वन ने हिट किया है, बाकियों ने हिट नहीं किया है. चार कैसे बन जाए? हाँ चार केसेस बन के फिर ऐड करना पड़ेगा वो आपको, ठीक है. तो खुशागरा जो तुम केस बता रहे थे ना, केस बना कर तो उसमें एग्जैक्टली वन हिट, एग्जैक्टली टू हिट, एग्जैक्टली थ्री हिट, एग्जैक्टली फोर हिट है ना. फिर एग्जैक्टली वन हिट वाला समझ रहा था, फिर वो बता रहा था, फिर मैंने बाद में देखा. ओके ये समझ में आया सबको? यस यस सर. एग्जैक्टली वन हिट में कौन हिट करेगा वो चूज भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो भी तो करेंगे ना, मतलब एक कोई एक करेगा. हाँ बट चूज करने के उसमें हमें ऐसे कोई 1/4 करके नहीं करना पड़ेगा. एग्जैक्टली वन हिट मीन्स हमारे पास फेवरेबल प्रोबेबिलिटी कौन सी है कि सिर्फ हुमिता ने हिट किया उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस सिर्फ बी ने हिट किया उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस सिर्फ सी ने हिट किया, प्लस सिर्फ डी ने हिट किया. अच्छा फिर वो चारों का केस बना के सबट्रैक्ट, चारों को ऐड कर दोगे बस, है ना, तो एग्जैक्टली वन हिट आ जाएगा आपके पास. ओके ठीक है. तो भी मेरे साथ गेम खेल रहा है कौन? खुशाग्र है ना. खुशाग्र आप और मैं डाइस फेंक रहे हैं बेटा. ओके सर. ठीक है पहले मैं थ्रो कर रहा हूँ, अगर 6 आया तो मैं जीत गया, फिर आप थ्रो कर रहे हैं, 6 आया तो आप जीत गए. ओके समझ गए. लेकिन गेम स्टार्ट मैं कर रहा हूँ. क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल विन? सर पहले वो देखना पड़ेगा कि आप कब हिट नहीं करोगे, फिर मैं कब हिट करूंगा, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. नहीं समझा. मैंने डाइस थ्रो किया 6 नहीं आया. यस सर. फिर आप थ्रो करोगे 6 नहीं आया, फिर मैं थ्रो करूंगा 6 नहीं आया, फिर आपने थ्रो किया 6 नहीं आया. अच्छा. फिर मैंने थ्रो किया 6 आ गया तो मैं जीत गया है ना.
गेम विल कीप ऑन गोइंग जब तक सिक्स नहीं आ जाता। तो जिसका पहले सिक्स आया वो जीत गया। जिसका पहले सिक्स आया वो जीत गया। तो वन बाय टू नहीं सर, अगर वन बाय टू है तो भाई मैं पहले खेलना पसंद करूंगा। फाइव बाय थर्टी सिक्स, फाइव बाय थर्टी सिक्स। अगर मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइव बाय थर्टी सिक्स है तो खुशागरा की कितनी है? फोर बाय थर्टी सिक्स। दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी जो है वो वन से कम आ रही है। तो मतलब क्या है, तीसरा और कोई भी जीत सकता है गेम? तो आंसर हैज टू बी मोर देन हाफ, है ना? मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। नहीं है तो एक बार फिर से आई एक्सप्लेन। सर हाफ नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, सेम ही डाइस यूज कर रहे, कोई चीटिंग नहीं है और आप पहले जा रहे तो बेटा जो पहले थ्रो कर रहा है उसके लिए तो ज्यादा चांसेस हैं, एडवांटेज है ना? अरे एक ही ज्यादा होगी। हाँ जो पहले थ्रो कर रहा है ऑफ कोर्स उसकी ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी। अगर डाइस में समझ में ना आए तो अगर कॉइन टॉस किया तो ये बेटा थोड़ा सा जीपी वाला क्वेश्चन है ना। और फिर उसके बाद पहले मैं जीपी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर क्लास इलेवेंथ, और फिर नाइन्थ एंड टेंथ है ना आई विल एक्सप्लेन इट इन अदर वे जहाँ जीपी इन्वॉल्व ही नहीं होगी, ठीक है भाई? तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ माय विनिंग है ना, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पर्सन ए विल विन, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो फर्स्ट टर्न में मेरे पास सिक्स आ गया तो मैं जीत गया। कितने चांसेस थे मैं फर्स्ट टर्न में जीत गया? वन बाय सिक्स है ना। या फिर मैं फर्स्ट टर्न में नहीं जीता, मैं सेकंड टर्न में जीता हूं, मतलब मेरे पास जो है वो सिक्स नहीं आया, फिर बी के पास भी सिक्स नहीं आया, फिर उसके बाद मेरे पास सिक्स आ गया। या फिर मैं थर्ड टर्न में जीता है ना, नो सिक्स नो सिक्स नो सिक्स एंड देन आई गॉट सिक्स, है ना? फर्स्ट टर्न में मेरा सिक्स नहीं आया, बी का भी नहीं आया, ए का भी नहीं आया, बी का भी नहीं आया, एंड देन थर्ड टर्न में मेरे पास सिक्स आ गया, है ना? सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट आई वन इन द फर्स्ट गो, प्रोबेबिलिटी आई वन इन द थर्ड सेकेंड राउंड, आई वन इन द थर्ड राउंड, है ना? सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी इनफिनिट सीरीज, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मी विनिंग। My winning probability is equal to winning in first round, winning in second round, winning in third round, winning in fourth round, plus up to infinite rounds. समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. Yes. ठीक है? तो इसका sum कैसे find करेंगे भाई? Sir, a by a upon b minus r. ये आपका ए है और ये आपका आर है, ठीक है? अदर्स कैन नोट इट डाउन। अगर आपके पास है ना सीरीज है यहाँ पर जहां पर फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर से, ठीक है? तो ये आपका एपी बनती है, जीपी बनती है। एंड सम ऑफ दीज इनफाइनाइट टर्म्स इज वेरी वेरी सिंपल, दैट इज ए अपॉन वन माइनस आर, है ना? अगर आप इसका डेरिवेशन चाह रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा। दिस इज वन माइनस ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स, ठीक है? सो दिस इज थर्टी सिक्स इलेवन सिक्स बाई इलेवन, एंड प्रोबेबिलिटी बी विल विन, ठीक है? दैट यू कैन काउंट लाइक दिस ऑल्सो, फाइव बाई सिक्स इंटू वन बाई सिक्स प्लस फाइव बाई सिक्स इंटू फाइव बाई सिक्स इंटू फाइव बाई सिक्स इंटू वन बाई सिक्स, है ना? लाइक दिस, और यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट, दैट इज 5 बाय 11। सर हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पीएनसी की तरह सिंपली लॉजिक से नहीं होंगे? नहीं, पीएनसी की तरह सिंपली लॉजिक से 90% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ पीएनसी लगेगी। बट बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी लगेगी पूरी। ओके सर,
भाई संडे को क्लास आई थिंक सिर्फ बानी को इशू था, तो अभी कल रखनी है क्लास? यस मैं 12th वाली प्रोबेबिलिटी कराता हूँ कल, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है, बेल्स थ्योरम के नाम से है, बट फॉर्मूला मैं एक भी नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। ओके कल वाली क्लास आज शाम को करा सकते हैं? हाँ जी तन्वी फिर से बोलो। नोबडी कल जो संडे की क्लास है उसे आज या फिर किसी और दिन? अच्छा संडे को तो वैसे मेरे को भी थोड़े इशू रहेंगे क्योंकि मॉर्निंग में भी क्लास है 11 to 1, है ना सर? ट्यूसडे को एक्स्ट्रा रख लेंगे क्लास, है ना? अभी मेरी ऑक्यूपेंसी आ गई 4 o'clock, अदरवाइज आज मैं अच्छे से आपको और कराता हूँ, ठीक है? ट्यूसडे को लंबी क्लास रख लेंगे। ओके क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस इसी को ना देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन इज मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर जोर डालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट राउंड में जीता है ना, और या फिर फर्स्ट राउंड में वो हारा, फिर सेकंड पर्सन हारा, फिर उसके बाद जब आपके पास टॉस करने के लिए आया तो पी ऑफ ए, एक बार देखना ये आंसर कितना आ रहा है भाई। So this is 25-36. This is हाँ जी सही आ रहा है। देखो ये क्या प्रोबेबिलिटी मैं वर्कआउट कर रहा हूं, देखो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन, ए जीतेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो वो फर्स्ट राउंड में जीत जाए या फिर फर्स्ट राउंड में वो हारा, सेकेंड राउंड में बी हारा, और उसके बाद जब एक की बारी वापस आई तो एक तरीके से गेम शुरू से शुरू हो रही है ना, और जब गेम शुरू से शुरू हो रही है तो फिर हम बात वहां पर फिर से शुरू कर रहे हैं कि भाई ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो पी ए है, आप समझ रहे हो भाई? मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 6/11 है, ठीक है? अब या तो मैं फर्स्ट राउंड में जीता, फर्स्ट राउंड में नहीं जीता तो फिर उसके सेकंड राउंड में आने के लिए मैं हारा हूं, फिर बी भी हारा है, फिर उसके बाद जब मेरे पास वो बारी आई है तो अब मेरे जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी तो 6/11 ही तो थी, नहीं आया ना समझ में? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं गेम शुरू की बेटा, मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी थी एक्स, ठीक है? उसके बाद गेम शुरू हुई, मैं डाइस पे मेरा 6 नहीं आया, बी के डाइस पर भी 6 नहीं आया, उसके बाद डाइस थ्रो करने की बारी मेरी आ गई वापस, अब बता सकते हो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्स ही तो रहेगी, सेम ही तो रहेगी। यस यस सर, है ना? तो मैंने एग्जैक्टली वही चीज यहां पर की है कि भाई या तो मैं फर्स्ट राउंड में गेम जीत गया या फिर मैं यहां पर हार रहा हूं, बी हारा है और उसके बाद डाइस मेरे पास आ गया है ना? तो दिस इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इज विनिंग इन फर्स्ट राउंड प्लस विनिंग आफ्टर फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद मैं जीतूं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट राउंड के बाद मैं जीतूं उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6 × 5/6 कि मैं फर्स्ट राउंड में नहीं जीता हूं, इंटू मैं फर्स्ट राउंड के बाद जीतूं या फिर शुरू में मैं जीता है ना, वो प्रोबेबिलिटी सेम एक तरीके से हो जाएगी, ठीक है? ये लॉजिक समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो डजंट माइंड, है ना? इसको सिर्फ नोट डाउन करें
और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस तो क्वेश्चन में क्या लिखे? तो रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ रिकॉर्डिंग आई विल सेंड। क्वेश्चन में आप लिखेंगे लिख लें आप ए एंड बी आर प्लेइंग गेम विद विनर डिसाइडेड बाय अ पर्सन getting a 6 in a single throw of dice. If A started the game, find probability that A will win. ओके सर। ठीक है जी। सर हाँ जी बेटा। सर वो प्रोबेबिलिटी बी विल विन में हमने पहला टर्म 5/6 इनटू 1/6 को लिया है, मतलब डबल वन बाय सिक्स। बेटा बी जो है वो फाइव फर्स्ट राउंड में जीते, तो इसका मतलब है मैं नहीं जीता, मैंने शुरू किया था ना, तो मैं नहीं जीता तो फाइव बाय सिक्स, और फिर बी जीता तो इनटू वन बाय सिक्स। मेरा तो वन से लेकर फाइव तक कोई भी नंबर आएगा तो फाइव बाय सिक्स मैं नहीं जीता, उसकी प्रायोरिटी इनटू बी जीता वन बाय सिक्स। सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी जीत गए और ए भी जीत गए और बी भी जीत गए? नहीं, मेरा सिक्स आते ही गेम खत्म। हाँ सर, ओके सर। ठीक है जी, डन। ओके वन मिनट बेटा। Coin tossed n times. Probability of getting 7 head is equals to is same as probability of getting 9 heads. Find probability of getting 2 heads. पर वो कंटिन्यूअसली टॉस होता जा रहा है। बारे बोलो जो कॉइन है वो कंटिन्यूअसली टॉस होता जा रहा है।
मतलब कंटीन्यूअसली टॉस कौन सा एन टाइम्स होते जा रहा है। एक कॉइन को मैंने एन टाइम्स टॉस किया। अच्छा अच्छा ओके करो। ओके बेटा, मैथ का टेस्ट जो है जो स्टूडेंट कल नहीं दे पाएंगे है ना, थोड़ा सा लेट आप सबमिट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर देना ठीक है, फॉर क्लास 9th एंड 10th। ओके सर। सर आज आप टेस्ट आज भेज सकते हैं? दोबारा बोलो बेटा। सर मैथ का टेस्ट आज आप भेज सकते हैं? आज ठीक है, आप नदीम भैया को इंडिविजुअली मैसेज करो, ही विल सेंड इट टू यू ठीक है। लेकिन जो ऑफ टाइम में दे रहे हैं, थोड़ा पहले या बाद में दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं तो आप टाइम मेंटेन करते हुए आप दें, और जो बाद में देंगे तो उनके स्कोर सेपरेटली पोस्ट होंगे। हाँ जी, वेरी गुड सचिन। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे है ना, ये जो क्वेश्चन है या तो आप इसको पूरा फॉर्मल वे में कर लें ठीक है। फॉर्मल वे में कैसे करेंगे कि भाई नाइन है, सचित आपने पूरा फॉर्मल वे में किया बेटा? सर मैंने कहा कि अगर एन टाइम्स टॉस हो रहा है तो उसमें सेवन टाइम्स हेड आ रहा है तो सेवन सी एन, मतलब उसको है एन सी सेवन, सॉरी हेड आएगा। हाँ और उसे मैंने एन सी सेवन, हाँ आगे उसे सर मैंने एन सी नाइन से कंपेयर किया। नहीं एन सी सेवन, सेवन हेड आने के चांसेस क्या होंगे, एन सी सेवन है ना इनटू वन बाय टू रेस टू पार एन, हाँ वन रेस टू पार एन है ना। तो बेसिकली दिस इज कि जो हेड आने के जो चांसेस हैं है ना आपके पास, लेट से मान लो यहाँ पर अगर टेन टाइम्स मैंने टॉस किया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो इन टेन में सेवन हेड्स कितने वे में फिट हो सकते हैं? या तो पहले सेवन हमारे हेड्स आ गए ठीक है, या फिर थोड़ा बाद वाले आ गए। तो बेसिकली टेन में से आपको सेवन स्पॉट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कितने वेज में हेड आ सकते हैं, टेन सी सेवन। मान लो आपने फाइव कॉइन्स टॉस किए हैं है ना, फाइव कॉइन्स टॉस किए हैं, तो ये फाइव कॉइन्स में टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे, टू रेस टू पावर फाइव 32। इसमें से थ्री हेड जो है वो कितनी बार आएंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री हेड्स, तो बाकी दो टेल हो जाएंगे ना। तो इन तीन हेड्स की जो जगह है, पांच में से तीन स्पॉट सिलेक्ट करने हैं जहां पर ये हेड फिट होंगे। तो थ्री हेड्स कैन कम इन फाइव सी थ्री वेज ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवन हेड कमिंग, सेवन हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन सी सेवन अपॉन टू रेस टू पार एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइन हेड्स इज एन सी नाइन अपॉन टू रेस टू पार एन। आप कंपेयर किसको कर रहे हैं, एन सी सेवन को एन सी नाइन से। And we know that NCR, हाँ जी, NCR is equals to NCN minus R. Current action हो जाएगा। हाँ, तो N जो है वो हमारा 7 plus 9, 16 आ जाएगा।
ठीक है जी, क्वेश्चन सर एक मिनट। चलो अब एक मजेदार सा क्वेश्चन लेते हैं। हो गया सर। ओके वन मिनट। चलो जी रेडी, थोड़ा सा ये ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन है। सो लेट्स इन अ सिटी विद पॉपुलेशन 10,000, ठीक है, 1% हैव COVID and COVID test is 99% accurate. ठीक है, 99% accurate का मतलब है 1% को गलत रिपोर्ट चली जाती है। 1% जिनको या तो COVID है तो उनको बोल देते हैं COVID नहीं है, या जिनको नहीं है उनको बोल देते हैं, है ना। तो 1% accuracy और 1% error is there. ठीक है, क्वेश्चन इज अ पर्सन रिसीव्ड कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज कोविड पॉजिटिव। नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेल्स थ्योरम का है, बट ऑफ कोर्स मैं फॉर्मूला कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, लॉजिकली इसको डिड्यूस करेंगे और आंसर विल सरप्राइज यू, है ना। मेनी ऑफ यू आर जस्ट जंपिंग ऑन कि सर 99% एक्यूरेसी है तो 99% प्रोबेबिलिटी होगी। लग रहा है ना ऐसे कि ऐसा आंसर होगा कुछ शायद। ये मैथ्स का सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर, आपने बहुत बार करा भी रखा है। MVPP NTSC में मैं कराता रहता हूँ, बट ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। सर बोलो, रिजल्ट 12th का कराओगे तो आप सब कुछ करा दोगे प्रोबेबिलिटी में? हाँ। अच्छा नहीं सचेत, आंसर गलत है। सिद्धांत इज रॉन्ग, देख रहे भाई बिल्कुल लॉजिकली बात करेंगे। टेन थाउजेंड पॉपुलेशन है, कितनों को कोविड है? 1%, 100 को। कितनों को नहीं है? 9,909। इसमें से जिनको नहीं है कितनों को पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी? 99 ना, इनको तो नहीं है भाई, जब कोविड नहीं है तो नेगेटिव मिलेगी 99 को, पॉजिटिव रिपोर्ट तो 1 को मिलेगी ना।
कैसे? पॉजिटिव मींस जिनको कोविड है, जो सफर कर रहे हैं कोविड से. अच्छा सॉरी, हाँ 99 को मिलेगी. माय मिस्टेक, मैं उल्टा ले रहा हूँ. ठीक है, 99 को पॉजिटिव मिलेगी और एक को नेगेटिव मिलेगी, है ना. यहां पर कितनों को पॉजिटिव मिलेगी? 1% जिनको फॉल्स रिपोर्ट मिल रही है. कितनों को नेगेटिव मिलेगी? 9801. ठीक है, अब हमारे बंदे को तो पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है ना. अगर पूरे सिटी का मैंने टेस्ट कराया, पूरे सिटी में कितने लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट मिली भाई? 190. कितने लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट मिली, है ना? और इनमें से कितने हैं जो एक्चुअली पॉजिटिव हैं? 99, है ना. ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? मेरे को तो प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा निकालनी है कि उस बंदे के चांसेस क्या है. मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है और फिर आप कोविड से सफर कर रहे हैं. तो दिस इज टोटल केसेस इज जिन सबको कोविड पॉजिटिव मिली है. फेवरेबल इज जिनको कोविड पॉजिटिव मिली है और उनको कोविड पॉजिटिव है. सो 1/2 और 50% चांस ओनली, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कोविड रिपोर्ट्स आर 99% एक्यूरेट. There is 50% chance that the person is actually having COVID positive. और इसका डेली यूटिलिटी ये समझो, माई फ्रेंड अभी रिसेंटली ना, 2 years back he had a मतलब His wife conceived, then जब conceive करते हैं तो doctors जो है ना वो हर बार जो है वो test जरूर कराते हैं. तो उसका भी AIDS का test हुआ था. And then he got this positive report. And then he was saying कि ये सब पैसे बनाने की धांधलेबाजी है, अब दोबारा जाकर जो है टेस्ट कराना होगा. तो I said ये खाली लैब के हाथ में नहीं है, टेस्ट जो है वो कई बार inaccurate भी होते हैं. And then I was showing him this calculation. सर टोटल आउटकम 198 कैसे हुआ? टोटल आउटकम क्या है? टोटल वो सारे लोग जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है. अब उन सब लोगों में तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या चांसेस हैं कि भाई कोविड होगा. तो पॉजिटिव रिपोर्ट किस किस को मिली है? जो येलो वाले हैं. तो टोटल जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट मिली आर 198 और जिनको पॉजिटिव मिली और कोविड था दैट इज 99. ओके सर. ठीक है, यस सर. बेटा मैंने एक डाइस को 5 times सॉरी, आई हैव थ्रोन अ डाइस ठीक है, थ्रोन डाइस multiple times till 2 fours are obtained in succession. Find probability that the experiment will end
इन फिफ्थ थ्रो कि भाई एग्जैक्टली फिफ्थ थ्रो पर जो है मेरे पास दो फोर्स आ गए हैं. नहीं सिद्धांत इतना इजी नहीं है आंसर. हाँ जी देख लें एक बार. हाँ जी सचेत क्लोज बट नॉट करेक्ट. ओके फेवरेबल आउटकम्स आ गए भाई भेज दो. कितना है फेवरेबल भेजो बता दो. सर 4 factorial. गलत है. 4 factorial कैसे आया आपका? मैंने पहले वो कर दिया मतलब दो सर फर्स्ट और सेकंड वाले केसेस में सर मैंने 4 को ले आया तो फिर उन दोनों का पैकेट बना के सर 4 factorial अरेंज कर दिया. तो बेटा फिफ्थ थ्रो में जीतना चाहिए. पहले आपने 4 डाल दिया तो फिर गड़बड़ हो गई ना. सर मुझे कुछ और लगा क्वेश्चन. फिफ्थ थ्रो तक जीतना चाहिए. हाँ फिफ्थ थ्रो पर अगर मैं जीत रहा हूँ तो यहाँ पर तो 4 हो गया और यहाँ 4 हो गया. एग्रीड कर रहे हैं सब? यस सर. ठीक है अब बताओ टोटल फेवरेबल केसेस क्या होंगे है ना. कोई भी शेयर करो और गलत होने वाला है 100% बट है ना लेट्स डिस्कस इट आउट कि कहां गलती की आपने. सचेत आप बताओ. सर रिपीट करना फेवरेबल केसेस क्या हो सकते हैं भाई. लास्ट में ये फोर्थ और फिफ्थ थ्रो में तो हमारे 4-4 आ गए है ना. तो टोटल केसेस जिसमें लास्ट की 2 throws में हम जीत रहे हैं 5 factorial by 2 factorial. क्या लॉजिक है सर? वो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना तो वो डिवाइड नहीं करते अगर सेम भाई. ये तो यहाँ पर फिक्स हो गए ना. अब हमारा यहाँ पर जो है कुछ नंबर आ सकते हैं. यहाँ पर कोई नंबर डाइस का कोई नंबर तो मैंने 5 dice फेंके. कितनी वेज में मैं मेरे आउटकम आ सकते हैं सच दैट लास्ट के 2 throws जो है वो 4-4 हो. सर वो जो 3 उस ब्लैंक है उसमें 5-5-5 आ जाएगा क्योंकि सर 4 नहीं आना ना. ओके 5 पे है. ही इज सेइंग कि सर यहां पर 5×5×5 बट दिस इज रॉन्ग. टेल मी सर. सर एक 4 अगर बीच में आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सक्सेशन चाहिए. अच्छा वेरी गुड नमन. हां आ जाओ तुम है ना. वो है वहां पे ऑफिस में आकाश. हां ठीक है आ जाओ. सर 6×6×5 होगा. ओके यू आर सेइंग 6×6×5 ये गलत है क्यों है बताओ. अच्छा हाँ ये भी गलत है. यस सर. सर 2-4 स्टार्टिंग में. हाँ स्टार्टिंग में 2-4 हो जाएंगे यहाँ पर है ना. तो यहाँ पर केस बनेंगे. केस बनेंगे यस है ना. केस पहला केस क्या होगा? 4 सर. 4 नहीं आ रहा. पहले में 4 आ रहा है आ सकता है ना. यस सर ये हो सकता है ना.
यस सर, या मतलब इसको ऐसे ही कर लेते हैं कि फर्स्ट में फोर आ गया, बाकी दो में कुछ भी हो सकता है फाइव नंबर्स में, तो ये हमारा हो जाएगा फाइव इंटू फाइव। दूसरा केस क्या बनेगा, बीच में फोर आ गया तो फाइव क्रॉस फाइव। तीसरा केस क्या बनेगा, तो तीसरा वाला तो फोर हो ही नहीं सकता, तीसरा और चौथा फोर हो जाएंगे तो फोर में ही गेम खत्म। यस सर, कोई भी नंबर तो फाइव क्रॉस फाइव क्रॉस फाइव है ना, ऐड कर देंगे इनको, ऐड कर देंगे, ये टोटल फेवरेबल केसेस हैं। तो फेवरेबल केसेस 175 अपॉन 6 रेज़ टू पावर 5 और आपको मिलते हैं चार नंबर आईटी मेन में। तो ट्रिकी है, ऑफ कोर्स ट्रिकी है, बट मुश्किल ना। सर मेरा एक ही केस रहेगा। ओके, एक एडवांस का क्वेश्चन रेडी, ये कॉपी किया सबने? अरे एक मिनट सर, थोड़ा सा। ओके, सर हो गया, हो गया। यस सर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कितने सॉल्व करेंगे? जीरो, बट आंसर समझोगे सुनोगे, इजी सा आंसर है, यू विल लव इट। क्वेश्चन इज, यहां से थ्री नंबर्स आर सिलेक्टेड, थ्री नंबर्स आर सिलेक्टेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज मल्टीपल ऑफ थ्री। अरे शायद आपने पहले कराया था, हो सकता है कराया एपी में, पीएनसी में कराया होगा, पर एपी या पीएनसी में कराया था। ओके, एनीवन कैसे करेंगे सोचो। सर केसेस बना के, केसेस क्या बनेंगे सर? एक शायद केस बनेगा कि जिसमें तीन के मल्टीपल हमने चुन लिए। ओके, और सर और सोच रहा हूँ, 1 5 8 करके, 1 4 7 अगर इन 3n वाले में से कोई भी नंबर आप चूज करते हो, तीन नंबर, तो वो 3 का मल्टीपल होगा, 33C3। इन 34 में से कोई भी तीन नंबर चूज करोगे, है ना, सारे के सारे 3n+1 की फॉर्म में है, इनका जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 34C3 एंड 33C3। ऑल्सो तीन नंबर चूज करने हैं आपको, अगर आपने एक नंबर हर एक में से चूज किया तो इनका सम कितना हो जाएगा, 3n+3n+1
प्लस थ्री एन प्लस टू, तो वो भी हमारा मल्टीपल हो जाएगा, है ना? यस थर्टी थ्री सी वन इंटू थर्टी फोर थ्री एन प्लस वन वाला मल्टीपल कैसे होगा? हाँ जी थ्री एन प्लस वन वाला मल्टीपल कैसे होगा? थ्री एन प्लस वन, थ्री एन प्लस एन डैश प्लस वन, थ्री एन डबल डैश प्लस वन, तो ये नंबर जो है ऐड करोगे थ्री टाइम्स ऑफ एन। अच्छा हाँ सर ओके, है ना? यस थ्री का मल्टीपल। ओके सर, ये फेवरेबल केसेस हो गए हमारे। ओके सर। यस ठीक है, आई थिंक एवरी वन इज कम्फर्टेबल, है ना? एक तनवी का थोड़ा सा शायद इशू है, बट आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग देन। मोस्ट प्रोबेबली आई विल कीप अ क्लास टुमारो, है ना? आई विल इन्फॉर्म यू समवेयर अराउंड 1-1:30 अगर कल क्लास होगी तो। ओके सर ठीक है। और मैथ का टेस्ट अगर क्लास होगी तो मैथ का टेस्ट आपका थोड़ा सा फॉरवर्ड हो जाएगा, और क्लास नहीं होगी तो 2:30 रहेगा मैथ का टेस्ट, ठीक है? और अगर कल क्लास नहीं होगी तो ट्यूसडे को विल कीप, थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे। चलो जी, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम, थैंक यू वेलकम बेटा।